कल के चक्का जाम से पहले किसान आज दो दो महापंचायत में हुंकार भर रहे हैं। एक महापंचायत राजस्थान के दौसा में, जहां सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट खुद मौजूद रहे। दावा है कि 1 लाख किसान यहां शामिल होने वाले हैं। इसे सचिन पायलट की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो वहीं शामली की महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ताल ठोक रहे हैं। धारा 144 लागू है यहाँ पर, जयंत चौधरी महापंचायत पर अड़े हुए हैं। और आइए इस वक्त आपको सीधे हम ग्राउंड पर ले चलते हैं। गाजीपुर से कुमार कुणाल हमारे साथ मौजूद है। दौसा में शरत इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, और अभिषेक मिश्रा शामली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए शरत, क्या तस्वीर इस वक्त दौसा में आप देख रहे हैं? से सचिन पायलट अपने पिता कर्मभूमि दौसा में उतरे हैं, और यहाँ पर अभी जो वो सचिन पायलट गए हैं कलेक्टर को ज्ञापन देने, और जो एक गीत बनाया गया है यहाँ पर कृषि बिल के खिलाफ, उस गीत को लेकर यहाँ पर जो स्टेज पर लोक कलाकार हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि दौसा में अब तक ये सबसे बड़ी कृषि पंचायत कह सकते हैं, कृषि रैली कह सकते हैं, सचिन पायलट ने की है। और यहाँ से उन्होंने कहा है कि अब हम राजस्थान के किसानों को लेकर दिल्ली जाएंगे। तो कहीं नहीं एक कांग्रेस के अंदर भी जो छटपटाहट थी कि कृषि बिल पर हम किसानों के साथ नहीं दिखाई दे रहे, उसे लेकर सचिन पायलट ने यहाँ पर दौसा से अभियान शुरू किया है, और भरतपुर और शाहजहांपुर होते हुए और दिल्ली जाने का आज यहाँ ऐलान किया है कि अपने किसानों को लेकर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने यहाँ अपनी ताकत तो दिखाई है, बीजेपी के खिलाफ भी कांग्रेस लौटती हूँ। अभिषेक मिश्रा शामली से मौजूद है। अभिषेक, देखिए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 1 लाख किसान जुटेंगे और सचिन पायलट खुद उसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? क्योंकि लगातार बीजेपी तो ये दावा करती रही है कि ये आज इनफैक्ट कृषि मंत्री ने ये कहा कि एक राज्य के किसान सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं। क्या हालत है उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े सूबे की दिखाई? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं मीनाक्षी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके का आंदोलन हमें बाकी राज्यों में खासतौर पर राजस्थान हरियाणा पंजाब की हम बात करें दिखता है, उसका उतना असर उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हम लगातार यहाँ दौरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो किसान है वो लगातार यही कह रहे हैं कि सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी भी कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के हावी है। और आज जो महापंचायत शामली में हो रही है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कवायद है कि किस तरीके से किसानों के साथ सरकार नहीं है। हालांकि इसकी अनुमति नहीं मिली है, धारा 144 लागू है, लेकिन बावजूद उसके किसान यहाँ जुट रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि आज एक बड़ा आह्वान किया जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष ने पूरी तरह से तैयारी की है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो असर दिख रहा है, यहाँ के किसानों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं हमें दिखती है। चाहे हम बात करें बागपत की, शामली की, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन कानूनों को लेकर के वो क्यों नहीं संवेदनशील है। ठीक है, कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं। कुणाल, आप तो लगातार जो इस आंदोलन का सिंगू बॉर्डर के अलावा एक केंद्र रहा है गाजीपुर, वहां पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है और लोग भी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि लड़ाई ऐसा लगता है सरकार वर्सेस राकेश टिकैत हो गई है, जो गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो अक्टूबर तक जाएगा। सवाल यही कि अगर अक्टूबर तक आंदोलन ले जाने की प्लानिंग है तो फिर बातचीत की कहां गुंजाइश है? बिल्कुल, और इसीलिए जहां पर राज्यसभा में सरकार ने आज जवाब दिया है उसका पलट जवाब जो है राकेश टिकैत ने यहां पर भी दिया है। कहा है क्या कि सरकार जो है आधे दाम पर खेती की जो उनकी फसल है वो खरीद रही है और दावे बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन जो कल की तैयारी है, कल किस तरीके से चक्का जाम है और उसको लेकर के पुलिस की हम तैयारी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कई लेयर की बैरिकेडिंग है, कटीले तार है, पुलिस कर्मियों की तैनाती है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है कि कल अगर कोई
दिल्ली की तरफ जाना चाहे तो यहाँ से निकल नहीं पाए। तो ये एक बड़ी तैयारी है कल के को लेकर के, क्योंकि आज राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली की तरफ नहीं कूच करेंगे, जो भी होगा ग्रामीण इलाकों में होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है, कोई भी 26 जनवरी की घटना के बाद कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, और उसी की तस्वीरें यहाँ की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं कि कल अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की घटना होती है तो उसको निपटने के लिए पुलिस और पूरा जो सुरक्षा तंत्र है वो पूरा मुस्तैद रहे।